नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। कई दिनों से हम देखते आए हैं कि पटना की सड़कों पर मानव श्रृंखलाएं लगाई जा रही हैं, विरोध प्रदर्शन होते आए। आज हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के मुखिया अनिल कुमार हैं, उनसे जानेंगे कि आज सर ये मानव श्रृंखला की। देखिए, ये मानव श्रृंखला बिहार में जो हमारे युवाओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, रोजगार उन्हें कहीं मिल नहीं रहा है, एक बेरोजगारों की एक फौज तैयार हो गई है। उन बेरोजगारी को खत्म करने के लिए और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जो शिक्षा की बदतर व्यवस्था बिहार में हो गई है, उस शिक्षा की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, कभी हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था और आज हमारे यहाँ क्या है, तो हमारे बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो हम अपनी खोई हुई अतीत को, जो हमारा गौरव था, उस गौरव को वापस लाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मानव श्रृंखला लगा रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए और हमें भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहिए। जो आज सरकारी पदाधिकारियों के सरकारी कार्यालय में अगर हम कहीं जाते हैं, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। हम उन समस्याओं से जूझते हैं कि हमारे लोगों का अगर वृद्धा पेंशन जरूरत है, विधवा पेंशन जरूरत है, राशन किराशन की अगर कोई बात करता है तो हर जगह मोटी रिश्वत लगती है। यहाँ तक कि BPL में नाम दर्ज कोई कराने जाता है, वहाँ भी उसे पैसा देने की जरूरत पड़ती है। तो इन सब के खिलाफ हम लोगों ने मानव श्रृंखला लगा करके नीतीश कुमार जी के कुंभकर्णी नींद को से जगाने की कोशिश। यहाँ पर जिक्र NRC और CA का भी किया हुआ, जैसा कि बोर्ड में देखिए, हम लोगों ने इसका भी विरोध किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्षता बरकरार रहनी चाहिए। हमारे बाबा साहब ने अगर हमें कानून बनाया, संविधान बना करके सौंपा है, जिसका जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने संविधान बनाने में मदद की, संविधान बना करके हमें जो सुपुर्द किया है, उस संविधान की रक्षा करना हम सबों का कर्तव्य बनता है, हम बिहारियों का कर्तव्य बनता है। हमें धर्म में बांटने की जो कोशिश हो रही है CAA के अंदर कि हम इनको नागरिकता देंगे, इनको नहीं देंगे, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं। ये CAA NRC बिहार में नहीं लागू हो, भारत में नहीं लागू हो। हम सब CAA का विरोध करते हैं, NRC का विरोध करते हैं और विरोध करके बताना चाहते हैं कि भारत बापू के सपनों का है, भारत बाबा साहब के सपनों का है, भारत सरदार पटेल के सपनों का है, भारत चंद्रशेखर आज़ाद के सपनों का है, खुदीराम बोस के सपनों का है और इन सब का सपना मिला करके हम भारतीयों को अलग अलग रंग से भरता है और उन रंगों में हम सब बटे हुए नहीं हैं, हम सब चट्टानी एकता की तरह एक हैं। किस तरह के लोग आज शामिल हैं इस मानव श्रृंखला? देखिए, इस मानव श्रृंखला में जो लोग युवा जो साथी हमारे रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, जो शिक्षा के लिए जो परेशान हैं, जो भ्रष्टाचार से आहत हैं, वो भी शामिल हैं। हमें भ्रष्टाचार की जहाँ भ्रष्टाचार से जो परेशान हैं वो भी शामिल हैं और जो CAA NRC से हम सारे लोग इसमें इसका विरोध करने के लिए वो सारे लोग शामिल हैं। तो हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के मुखिया अनिल कुमार थे, उन्होंने बताया कि ये जो मानव श्रृंखला लगाई गई है वो बेरोजगारी, शिक्षा की बदहाल स्थिति, NRC, CAA और भ्रष्टाचार के खिलाफ में लगाई गई है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।